आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गली मोहल्ला और ये देश करते हैं। आइए बाबा साहब को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। कहते हैं कि है ये सारा जहान जिनकी शरण में, हमारा नमन है उस बाबा के चरण में। है ये सारा जहान जिनके शरण में, हमारा नमन है उस बाबा के चरण में। है पूजा योग्य बाबा साहेब हम सबकी नजर में, आप सब मिलकर फूल बरसाएं बाबा के चरण में। एक बार से निवेदन करूंगा कि वह आए और पुष्पांजलि अर्पित करें बाबा साहब के सिर चरणों में। पहुंच चुके हमारे मेहमानगण बीमार सीताराम जी वासनीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका जोमनेर, आप सभी का रेलवाल लेकर समाज धर्मशाला में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी मेहमानों विशिष्ट अतिथियों का इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन। कि वे कार्यक्रम स्थल पर आए और अपना स्थान ग्रहण कर 26 श्रीमती कंचन देवी उज्जैनिया, दाहिनी ओर आपके बैठने की उचित व्यवस्था है, आप वहां पधार रहे और अपना आसन ग्रहण में तो यो ही खेड़ो है कि केसरिया बालक आओ नी पधारो मारे देश। अति विशिष्ट में है अमित जी ओसवाल, मारे छोड़ जरूरी काज आपका इस मंच के माध्यम से मैं एक बार पुनः स्वागत। चेयरमैन नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल, आपका सम्मान सत्कार। श्री भीमाराम जी वर्मा, नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल, हरीश जी उज्जैनिया, आपके द्वारा साफा पहनाकर नायब तहसीलदार साहब ये प्रतिमा देकर आप इनका सम्मान कर रहे हैं। एक बार पुनः मंच के माध्यम से आपका अभिनंदन स्वागत सत्कार। इस मंच के माध्यम से स्वागत हो रहा है जोबनेर से आपका भी, रामनिवास जी मौर्य और हमारे राजस्थानी परंपरा अनुसार तालियों के किसी पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत सत्कार। लाखीवाल जी का करेंगे श्रीमान स्वागत की अगली कड़ी में जोरदार श्रीमान किशनलाल जी वर्मा का जो तालियों के साथ, सभी तालियों की किसी प्रकार की कमी ना रहे, क्या का पूर्व पार्षद महोदय, क्या का जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। श्रीमान दीनदयाल जी बौकोलिया का स्वागत, रामरतन जी मुंडोतिया का स्वागत करेंगे। अगली कड़ी में श्रीमान रामनिवास जी मौर्य का, नारायण जी मुंडोतिया का, अध्यापक महोदय का डूंगरी से स्वागत की अगली कड़ी में श्रीमती ममता में साथ ही स्वागत माला और अभिनंदन साहिब के नाम रेनवाल विकास संगठन के सभी सदस्यों की इच्छा है कि हम सभी एक साथ आकर आपको माला शाफा और मोमेंटो के साथ स्वागत करें। सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अध्यक्ष महोदय का। डॉक्टर मुकेश जी, श्रीमान रामरतन जी, श्रीमान मोहनलाल जी गांधी, जिनके साथ सभी मेहमान जो आए हैं वे आए और इधर मंच के दाहिनी ओर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उनके बैठने की उचित व्यवस्था करें।
अधिकारी दाता रामगढ़ से और आप के द्वारा आपके निर्देशानुसार इस कार्यक्रम के जो आयोजन में बुक किया जा रहा है सत्कार किया जा रहा है। और मैं दो शब्द आपके लिए कहना चाहूंगा कि हर पल कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, तो आंख दिखा देना। हम भी मराब के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भी मराब के बच्चे हैं उनको समझा देना, समझा देना। वो संविधान निर्माता पहचान बता देना, वो भारत भाग्य विधाता उनको बतला देना, भगवान बता देना, कोई पूछे तो दलितों का भगवान बता देना, भगवान बता देना। हम भीम राव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीम राव के बच्चे हैं उनको समझा देना, समझा देना। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें इसको। भाग्यश्री को पारितोषित दिए जा रहे हैं, भाग्य से मिलते हैं मगर बेटियां सौभाग्य से मिलती है, लाख गुलाब लगा लो अपने आंगन में मगर खुशबू तो बेटी के आने से ही होगी। जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। अगले सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुए हैं उनके पिता श्री आ रहे हैं श्रीमान द्वारका प्रसाद खांडेकर, नर्सिंग ऑफिसर एम्स जोधपुर, सदा मुस्कुराते रहे और उनका इस मंच के माध्यम से आज स्वागत किया जा रहा है। सम्मानित मंच विराजमान सभी समाज बंधुओं, मातृ शक्ति की माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों, आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित इस प्रोग्राम में आप सभी का मैं हार्दिक मन से स्वागत करता हूं। मानसी ये सभी मंच पर आए और मेहमान कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे श्रीमान मोहन सिंह कुमावत आरएसएस सावरमल जी। चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच
नहीं पड़ जाए बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए केसर की थे क्यारी लागो रंग भरी थे थाली सा खूब चाव सो निरखा था न चाल थारी मत वाली हो बनी थारा केस है कामण गारा बनी थारा केस है कामण गारा मारो तो मन उड़ जाए बनी थारी आख्या है मत वाली हो बनी थारी आख्या है मत वाली मारो तो मन बहकाए बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए निवेदन करूंगा मंच यहाँ आए और अपना उद्बोधन दें आशीर्वाद स्वरूप कुछ दो वचन नमन करता हूँ और मंचासीन मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि एंड सम्मानीय जो इस कार्यक्रम में पधारे हुए लोग सभी को मेरा जय भीम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान पवन कुमार जी उज्जैनिया यहाँ आ चुके हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच के दाहिनी ओर आकर अपना स्थान ग्रहण करें कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक छोटा सा कार्यक्रम है प्रश्नोत्तरी का एक प्रश्न पहले छोटे बच्चों के लिए कि श्रीमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी का क्या नाम था श्रीमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी का क्या नाम था बच्चों के लिए यह प्रश्न है बच्चे अपने स्थान पर अपना हाथ खड़ा कर लें प्रशांत सभी के पास पहुंच रहा है हाँ जी रमाबाई सही है क्या सर बिल्कुल सही जोरदार तालियों के साथ इस बच्चे का उत्साहवर्धन करें साथ ही मैं निवेदन करूंगा दो शब्द हैं जय भीम एक बार जोर से बोलेंगे सब जय भीम सम्मानित मंच सम्मानीय नगर के नगराध्यक्ष हमारे मृदुभाषी मिलनसार हसमुख प्रथम व्यक्ति इस रेनवाल नगर पालिका के सम्मानीय चेयरमैन साहब मंच पर विराजमान नायब तहसीलदार साहब आपके चेहरे पे तो सदा ही हंसी रहती है आप खुद हंसते ही रहते हैं और साथ ही प्रोफेसर राजंश जी जो आप जोबनेर महाविद्यालय में हैं मंच पर विराजमान हैं बदलने में अपने अहम योगदान देने वाले विकास के रूप में जिनका कार्यकाल याद किया जाता है वो इनका तो नहीं था तो उनका लेकिन श्रेय इनको मिला हमारे उपाध्यक्ष जी श्रीमान सीताराम जी बासनीवाल साहब मैं बात तो बाद में करना चाहता था सभी साथी लोग सोच रहेंगे कि हमारा नंबर नहीं आया पहले आप अपने आप को बुला लिया लेकिन अक्सर दो चार लोगों ने कहा कि पहले बोल ही नहीं और जो सम्मान जिनका करना है अभी उनकी लिस्ट लंबी है इसके मेरे पास बोलने के बाद ही पांच लोगों का सम्मान मंच के द्वारा करवाया जाएगा आज जिस युग पुरुष की जयंती है जिस महामानव का जन्म दिवस है आप सोच रहे होंगे कि यहां शादी नहीं है फिर भी इतनी तैयारी के साथ यह जयंती क्यों मनाई जा रही है
या तो ये धर्मशाला तब सस्ती है जब यहाँ किसी की शादी होती है, और शादी भी नहीं है तो फिर आज ऐसा क्या है जिसके लिए धर्मशाला सजी है? तो मैं आपको बता दूं, आज आपको यहाँ बैठने या खाने या पढ़ने या लिखने या सोने या रहने का अधिकार दिया, वो अंधियारे को मेट करके वो सूरज इस धरती पर आया, उस बाबा साहेब की जन्म जयंती समारोह है और उसी को हम नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए यहां पर बैठे। मेरा बाबा मैं जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि बाबा के बारे में तो कहना शुरू करूं तो मेरे रोम रोम खिल जाते हैं, मेरी सांसों में उनका नाम घुल जाता है, मेरे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और मेरे रक्त की हर बूंद उनके लिए बह जाती है। लेकिन ये जब मैं अपने आप के लिए कहता हूं तो बाबा का कद छोटा करता हूं, क्योंकि इस हिंदुस्तान का एक भी नागरिक ऐसा नहीं है और इस विश्व का एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिस पर बाबा का ऋण नहीं है, वो है बाबा भीमराव अंबेडकर। क्यों जानते हैं? आपको 1813 से पहले तो किसी भी महिला को इस देश में शिक्षा का अधिकार नहीं था, और वो शिक्षा का अधिकार किसी भी महिला के लिए नहीं था, और जब किसी भी महिला के लिए अधिकार नहीं था तो मेरे बाबा के साहित्यिक गुरु, उधर एक तस्वीर लगी है आप देख लो, और वो गुरु है कौन? फूले साहब, महात्मा फूले। उन्होंने इस गुलाम देश में पहली बार शिक्षा की अलग जगाई, और उनकी पत्नी थी सावित्री बाई फूले। वो उन्होंने अपने घर को त्यागा, घर से बाहर निकाल दी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन इस देश की महिलाओं के लिए महिला विद्यालय की खोला और उनको शिक्षा देने का संकल्प लिया, उसे पूर्ण किया, और उन्हीं के आदर्श को बाबा साहेब ने अपने जीवन में अंगीकार किया। इसलिए बाबा साहेब के एक साहित्य गुरु फूले हैं, दूसरे साहित्य गुरु उनके कबीर हैं, और तीसरे जीवन का उनका अमृत बुद्ध, जहां बुद्ध इस धरती पर चले हैं। कहते हैं कांटे तो फूल बन गए थे, ये मात्र उपमाएं हैं, ना कभी कांटे फूल बनते हैं और ना कभी फूल कांटे बनते हैं, लेकिन स्थितियां बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है, क्योंकि जिसके आने से सब कुछ बदल जाए, अर्थात जब रात का अंधेरा मिट करके सूरज निकलता है तो रोशनी हो जाती है, इसी प्रकार किसी महामानव के इस धरती पर आने से अगर वो बदल जाता है तो वो दिन हमारी शुरुआत होती है। मैं बाबा पे बहुत कुछ बोलता हूँ, और यहाँ मैंने अपना टोन भी बदल रखा, आपको ध्यान है ना, मैं बाबा के लिए ऐसे नहीं बोलता हूँ जैसे बोल रहा हूँ रुक रुक करके, अटक अटक करके, ये मेरे से बोला भी नहीं जाता। ले चलो मैं अपनी ले पे आ ही जाता हूँ, बाबा को बुला ही लेता हूँ। बाबा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ। बाबा जब यहाँ से इस देश की धरती पर आए थे, वो दिन था 1891 में, मऊ की धरती पर मध्य प्रदेश में बाबा साहेब ने जन्म लिया था, और बाबा साहेब जब इस धरती पर आए थे तो उनको पढ़ने का अधिकार जो था वो इस प्रकार से नहीं था कि आज स्कूल के प्रांगण में प्रथम कक्षा में जाकर के आप गुरुकुल में बैठ जाओगे, आदर्श विद्यामंदिर में बैठ जाओगे, या राजकीय महाविद्यालय में जाकर के बैठ जाओगे। बाबा को कक्षा से बाहर बैठना पड़ता था, पानी ऊपर से पिलाया जाता था। इस दर्द को उन्होंने जहर नहीं बनाया, इस दर्द को अपने सीने में पाला, और सीने में पाल करके उस शिक्षा का सूरज ऐसा उगाया कि एक दिन उसकी सूरज की रोशनी में ये हिंदुस्तान नहाया। ये था मेरा बाबा। उसने किसी को प्रताड़ना नहीं दी है, लेकिन जो है गलत उसको गलत कहने का साहस बाबा ने किया है। आप जानते हैं उसी कालखंड में, उसी समय में देश की आजादी तंत्र थी, स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष कर रहे थे, और बाबा भी यही चाहते थे मेरा देश आजाद हो, सबसे पहली मेरी जरूरत है। अगर कोई एक एक बाबा ने देश की आजादी में सहयोग नहीं दिया तो गोलमेज सब तीनों कॉन्फ्रेंस पढ़ लेना, उनके वॉल्यूम पढ़ लेना। सबसे पहले बाबा साहेब ने यह मांग रखी थी कि देश सर्वप्रथम आजाद होना चाहिए, लेकिन मैं मेरे समाज को आजादी में अपना हक दिला के रहूंगा, मेरा और कोई बैर नहीं है। और उन्होंने वो हक आपको दिलाया। कैसे दिलाया? तीन ही आंदोलन पर बात करूंगा, उससे आगे बाबा साहेब के बारे में आज आपको नहीं बताऊंगा। आगे बोलने के लिए कल का दिन बहुत है और बोलना भी है, आप सुनते भी रहते हो, इसलिए मैं सहजता में कह देता हूं। बाबा साहेब पहली बार बाबा साहेब ने 1919 में जब मोंटेमेलो, जो आपका आयोग आया था मोंटेगु का रिफॉर्म करने के लिए,
उस समय पहली बार एक मांग रखी गई थी कि ये जो वर्ग है जिसे आप शूद्र कहते हो, जिसे आप अति शूद्र कहते हो, न मैं आप अतीत में ले जा रहा हूं, सिर्फ वहीं पर फोकस कर रहा हूं आज आपको। इस वर्ग की कोई पहचान नहीं है, अगर इसकी पहचान कर दी जाएगी तो इसके लिए भी कानून बनेंगे और इसको अधिकार मिलेंगे, और अधिकार नहीं मिले तो वो आजादी हमारे लिए किसी काम की नहीं होगी। उस समय ये अधिकार तो नहीं मिले, लेकिन ये आवाज चली गई और बाबा उस समय वापस लंदन चले गए और 1924 तक वहीं रहे, शिक्षा प्राप्त करके वापस आए और आते ही बॉम्बे लेजिस्लेटिव जो होती है उसके मेंबर बने, और उसके मेंबर बनने के बाद भारत जो बहिष्कारणी सभा थी उसका गठन किया, और गठन करने के बाद पहला आंदोलन कौन सा किया और क्यों किया दोनों समझ लेना। पहला आंदोलन बाबा साहेब ने किया था 1927 में महाड़ आंदोलन। महाड़ आंदोलन का अर्थ क्या है और क्यों किया 1927 में, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि अंग्रेज 1927 में कमीशन लेकर के आएंगे, और उससे पहले अगर हमने हमारी स्थिति उनको अवगत करा दी तो हमें हमारे अधिकार मिल जाएंगे, हमारे हक मिल जाएंगे। आप जानते हो इस देश की जिस बावड़ी में, इस देश के जिस कुएं पर, इस देश के जिस तालाब पर, इस देश की जिस झील पर वहां पर कुतिया जाकर के पानी पी सकती है, सुअर पानी पी सकता है, गाय पानी पी सकती है, भैंस पानी पी सकती है, लेकिन इंसान पानी पिए तो उसके लट पड़ते थे, उसकी परछाई से भी लोग डरते थे। उसके लिए बाबा साहेब ने पहला आंदोलन किया कि ये जो जल है ये धरती का है, आसमां देता है, प्रकृति के पांच तत्वों में से ये है, एक है, और उसका पहला अधिकार सब मनुष्य का है। और उसके लिए बाबा साहेब ने दो बार आंदोलन करके अपने सिर पे लठ भी खाए, लेकिन रास्ते से रुके नहीं, डटे नहीं, और उन्होंने आपको पानी पीने का अधिकार इस देश में दिलवाया, और ये वो आंदोलन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन और किया, मैं उसकी भी जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से मेरे साथी गण आजकल ये बात करते हैं कि बाबा साहेब तो ईश्वर विरोधी भी थे, बाबा साहेब उसके विरोधी थे, धर्म विरोधी थे। हाँ, धर्म के विरोधी थे, उस धर्म के जो मानव में असमानता पैदा करता है, उस धर्म के नहीं जो मानव का विकास करता है, मानव को समानता देता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, जो मनुष्य मनुष्य में विभेद करता है, एक को ऊंचा एक को नीचा दिखाता है, उसका विरोध करना भी है और करते भी रहेंगे। जो समानता लाएगा उसका स्वागत है, जो असमानता को अंगीकार करेगा उसका विरोध है, और बाबा साहेब ने यही किया। कालाराम टेम्पल मंदिर 1930 बाबा साहेब ने फिर एक आंदोलन किया, नासिक में एक मंदिर है, उस मंदिर में प्रवेश के लिए हमारे लोगों को प्रवेश दिलाने के लिए, ध्यान देना, बहुत से लोग ये कहते हैं वो बेवकूफ है क्यों मंदिर में गए लटकाने के लिए, मैं कहता हूं क्या उनका अधिकार नहीं है क्या, अगर उसका अधिकार है तो उसे जाने से क्यों रोकते हो, लटकाने की बात बाद में करना, लेकिन उसका अधिकार तो बाबा ने 1930 में आंदोलन करके फिर आपकी स्थिति को सामने रखा। और उन सबसे क्या हुआ, उन सबसे ये हुआ कि 1927 में जो साइमन कमीशन आया उसमें उनको बाबा साहेब को स्थान मिल गया, वो प्रतिनिधि बन गए कि वो अपनी बात हमारी तरफ से कह सके, हमारे प्रतिनिधि बन गए। और ये प्रतिनिधि बनने के कारण से उन्होंने क्या किया वो सुन लो, इससे ज्यादा आज आपको नहीं बताऊंगा। वो प्रतिनिधि बनने से आपको जो वोट का अधिकार मिला है वो बाबा साहेब ने दिलाया था, किसी और ने नहीं दिलाया, सभी को, इस देश का कोई भी नागरिक हो 1927 में वैश्विक नागरिक को वोट देने का अधिकार दिलाने, और महिला और पुरुष दोनों को सम्मान रूप से। मैं आपको ध्यान दिला दूं, जो अंग्रेज आप पर शासन करते थे उन्होंने महिलाओं को 250 साल बाद में अधिकार दिया है वोट देने का, लेकिन मेरे बाबा ने तो कमाल कर दिया, आपको आजादी से पहले ही अधिकार दिला दिया कि महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से वोट देने का अधिकार, अपनी सरकार चुनो, सरकार बनो, मस्त रहो, घर चलाओ, साथ में शासन चलाओ, कभी मुख्यमंत्री बनना, कभी प्रधानमंत्री बनना, घर नहीं चले तो कुछ मत बनना, इसलिए घर सबसे पहले चलाओ, ये बाबा ने कहा। समझ गए ना, घर चलाने का अर्थ अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सक्सेस करना, उनके लिए थोड़ा सा मेहनत करना, कम सोना, अधिक जागना, उनका ध्यान रखना, उनके संस्कार का ध्यान रखना, उनको पढ़ाना। मैं बात करने के लिए आ गया हूँ पढ़ाई की, क्योंकि इतनी बातें मैंने भी बताई तो किसके मार पढ़ाई से, मैं भी पढ़ा, आज बोल रहा हूँ बाबा के बारे में, बोलता था और भी बोलूंगा, लेकिन मैं आज ज्यादा नहीं बोलने के मूड में हूँ, क्योंकि आप तो सुनते रहे तो कल बोलना है मेरे को, नहीं गला खराब हो गया ना, तो जो लोग बुला रहे हैं वो मेरे को रोकेंगे कि गलत कर दिया आपने, इसलिए ध्यान रखना। मैं यहाँ बैठे हुए सभी बच्चों से, बच्चियों से अनुरोध करता हूँ,
और मेरा एक सपना है, मैं साफ कह रहा हूं खुले दिल से कि आने वाले 20 साल बाद मैं नहीं चाहता कोई भी समाज की महिला मजदूरी जाए। क्यों नहीं जाए कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ा ले, अपने बहुओं को पढ़ा ले, और उनका आ जाएगा बुढ़ापा तो बुढ़ापे में तो उनको जाना नहीं है, और अपने बच्चों को और बेटियों को और बहुओं को पढ़ा करके सक्सेस कर ले और मजदूरी करने के बजाय बिजनेस कर लेना, व्यापार कर लेना, और वो भी इतनी शिक्षा प्राप्त करके कोई जॉब कर लेना और आराम से पर्स टांग करके स्कूटी लेकर के गाड़ी में बैठ करके जाना। मैं बहुत खुश होऊंगा जिस दिन जाओगे। लेकिन जब मैं देखता हूं कि आज भी हमारे तबके की हालत क्यों है, और उसका मूल कारण इतना ही, क्योंकि हमारी जरूरतें अभी पूरी नहीं हो रही। चंद मकान पक्के बन गए हैं, हमारे हालात अभी भी थोड़े जस के तस है। थोड़े दिन और सब्र करो, 20 साल में सब कुछ बदलने वाला, लेकिन बदलेगा शिक्षा से। क्या आप तैयार हैं? सब तैयार है या बैठी हुई बच्चिया? कमर कस लो, संकल्प ले लो कि पढ़ूंगी और आगे बढ़ूंगी। यहाँ बैठे हुए लड़के भी कमर कस लो, संकल्प कर लो कि पढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। जो पढ़े और आगे बढ़े, जिन्होंने नाम इन 3 साल में किया है उनकी लिस्ट मेरे पास है, और आज ये मंच उनका सम्मान कर रहा है। आने वाले जो 10 IITians, MBBS, PhD, नीट जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उनका सम्मान अभी नहीं कर रहा, केवल जो राजकीय सेवा में, उनका सम्मान कर रहा हूं। 2 महीने बाद इसी प्रांगण में जब ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद केवल एक सम्मान समारोह करूंगा, और वो क्यों करूंगा वो भी सुनो कि जिनको सम्मानित किया उनको भी याद रखना, जहां ये लाइन में बैठे उनको भी याद रखना, सामने बैठी माता बहने वो भी याद रखे कि ये जो प्रांगण है ना, इसके लिए मेरे को रोज उलाना, मैं थक गया हूं। मेरे साथ ही खड़े जिन्होंने मुझे 5-6 लाख रुपए की तो घोषणाएं कर दी है, और आने वाले 2 महीने में मैं आप तक आऊंगा, मुझे 15-20 लाख रुपए 100 लोगों से चाहिए, जिससे मैं किसकी छत को तैयार करके आपको सौंप दूं तो मेरा सपना पूरा हो जाए। जय भीम, जय भारत। इस धर्मशाला के संकल्प के साथ हम फिर मिलेंगे, उसमें आप सब लोग सहयोग करेंगे, लेकिन पहले मैं समृद्ध, शिक्षित और सफल लोगों के पास जाऊंगा। याद रखना, जो व्यवसायी है, जो नौकरी पैसा है, और जो पैसे वाले हैं समाज के, उन लोगों से मैं पैसा लेने के लिए 2 महीने के अंदर अंदर मेरी टीम आ रही है। अपने जेब में जितने अधिक पैसे है ना काम में लेने के लिए रख लेना, उससे ज्यादा अवसर आपको मिलने वाला नहीं है, वरना लेना तो मुझे आता भी है, ध्यान है ना, पैसे लिया जाता है। यहाँ बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने नहीं दिए हो तो मेरे को बता देना, इनसे भी ले लेंगे, कोई बात नहीं, आज जरूरत नहीं चल जाएगा काम। आज तो बाबा की जयंती है, इतना ही मनाना है। जय भीम, जय भारत, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। के परिजन या आप यहाँ पर उपलब्ध हैं तो आकर के अपना पुरस्कार ग्रहण करें, अपना सम्मान प्राप्त करें। जीवन में जो कुछ अर्जित किया है उसके लिए आपकी सफलता के लिए बहुत अच्छा पात्र आता है। कुमार खटनावलिया, श्नोक श्री हरि मुंडोतिया वे आ रहे हैं, पृथ्वीराज मुंडोतिया ग्रहण कर रहे हैं। टेक्नीशियन में सिलेक्शन हुआ है और ईसा की पहचान बन जाए जिंदगी। साइंस होप स्कूल में पोस्ट PhD फेलोशिप आर्थोपेडिक के रूप में कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य है।
जोश है और जान है, ना जगे ना मिटे, देश तो बहुत ही शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सशस्त्र नमन करूंगा भारत के उस युग पुरुष महान आत्मा भारत रत्न, हम सब जिस हवा में आज जी रहे हैं उन सब के जो जनक हैं हमारे परम सम्मानीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनको मैं कोटि कोटि सशस्त्र नमन करना चाहूंगा, श्रद्धावनत होना चाहूंगा कि ऐसे युग पुरुष हमारे देश में हुए हैं। अत्र विराजित समाज मंच पे राम जी भाई साहब, डॉक्टर साहब जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय से, मेरे दाई ओर विराजित मंच पे स्टेज पे विराजित समस्त प्रबुद्ध जन, इस क्षेत्र के इस रेनवाल नगर पालिका क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध जन और प्यारे बच्चों महिलाओं, मैं वैसे तो क्या कहूँ, बजरंगबली भाई साहब ने इतनी बढ़िया तरीके से सारी बातें समझाई हैं, हम सबको बताया है कि पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है, शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है, ये सब हम समझ सकते हैं। और जैसा कि हम सब लोगों ने देखा आज पूरी दुनिया में देश का भारत का नाम होने के पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो हमारी पढ़ाई है, और हमारी पढ़ाई के पीछे जो हमारा सबसे बड़ा योगदान है हमारे संविधान का है, हमें संविधान में जो अधिकार मिले, जो कर्तव्य मिले, नीति निरीक्षक तत्व मिले, उन सब के पीछे जो श्रेय है हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का है। आवेदन करूँगा कि वह भी मंच के पास में आए और अपना सम्मान ग्रहण करें, वह भी आए और उनकी सासू माँ श्रीमती पताशी देवी वो आए। अगर इस नाम इस लिस्ट में हमारे पास में जो नाम आए हैं, बाबा साहेब को मेरा कोटि कोटि नमन, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, यहाँ पधारे हुए सभी ग्रामीण जन, माता और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। अब मैं बाबा साहेब के बारे में दो शब्द कहना चाहती हूँ। बाबा साहेब आपकी कलम के बल हम राज करते हैं, बाबा साहेब आपकी कलम के बल हम राज करते हैं, माना भी जय भीम के उद्घोष से यह आगाज करते हैं। ना राम ने कुछ दिया है ना कृष्ण ने कुछ दिया है, ना राम ने कुछ दिया है ना कृष्ण ने कुछ दिया है, हमें जो कुछ भी दिया है बाबा साहेब आपके संविधान ने दिया है। जहाँ खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके पास जो दौलत है वह बाबा साहब की बदौलत है। आज आपके पास जो बेन है वह बाबा साहब की देन है। आज आपके तन पर जो शर्ट है वह बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। आज आपके जीवन में जो शांति है वह बाबा साहब की हुई क्रांति है। फिर भी आप उनके प्रति मौन है, फिर भी आप उनके प्रति मौन है, तो दिल पर हाथ रख के बताओ आपकी तरक्की के पीछे कौन है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। भीम की तारीफ करूँ कैसे मेरे शब्दों में इतना जोड़ नहीं, भीम की तारीफ करूँ कैसे मेरे शब्दों में इतना जोड़ नहीं, दुनिया जाकर ढूंढ लेना मेरे बाबा साहेब जैसा कोई और नहीं। सम्मान्य मंच की ओर से बाबा साहब की प्रतिमा जोरदार बच्ची का उत्साहवर्धन करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत सत्कार। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र। बिल्कुल सही उत्तर, नागपुर महाराष्ट्र। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हेलो, I'ma make
सभी बोलेंगे जय भीम। सम्मानित मंच, मेरे सभी भाइयों, बच्चों, माता और बहनों, एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके मैं बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बताने में था। हमारे साथियों ने बता दिया, मैं इसके बारे में हमारे साथ में क्या क्या हुआ, एक को तो कामयाब कर दिया है, दूसरे को भी मैं कर दूंगा। इसलिए आप भले ही कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, मेरा यह कहना है। एक दो बात और है जो मैं आपको बताऊंगा। पैदा नहीं करती शेरनी, कभी सियार पैदा नहीं करती, और बहुजन की मां कभी गद्दार पैदा नहीं करती। ताली बजा सकते हैं आप। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। Day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर बंदिया हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह। प्रतिमा और प्रोफेसर साहब की ओर से नगद राशि। कभी जातिवाद के विरुद्ध नहीं आते तो फिर चौथ प्रण व्यवस्था पे भी करनी पड़ती है, उस जाति पे भी करनी पड़ती है जो इसकी जननी है, वहां से उजागर करके आप बताना पड़ता है कि ये कारण। जब मैं कृष्ण के बारे में बोलू तो मैं कह सकता हूँ वो महापुरुष योगी है, लेकिन जब मैं गीता में जाता हूँ तो मुझे गीता पढ़ने में रस नहीं आता है। अब कृष्ण को बदनाम गीता लिखने वालों ने किया या कृष्ण ने किया, फैसला खुद कर ले कि प्रण व्यवस्था मैंने पैदा की। अगर कृष्ण ये लिखता है तो कैसे मालूम मैं उस कृष्ण, कैसे गीत गाऊं। सोचो जब संभोग का वध श्री राम करता है तो कैसे मैं सभी को भूल जाऊं कि वो राम सच है कि संभोग सच है। जाओ फैसला करो अपनी रामायण को, या तो पूजते हो तो इन पाखंडी पन्नों को हटा दो, नहीं तो फिर दर्द तो भार है जो छल के
छलकेगा। ठीक है, रेनवाल 35 साल से समन्वय के साथ रहता है, समरसता के साथ रहता है, एक साथ जीता है और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और हम साथ साथ रहे, अच्छी बात है। ये बात है, मैं भी क्योंकि यहाँ नहीं करता, बड़े मन से करता, लेकिन ठीक है, आपको खुराक कम मिली थी, थोड़ी दी है, कल चर्चा, चलो बड़े मंचों पे चर्चा करेंगे, रात को रामगढ़ आप आमंत्रित थे, मैं भी वही, ठीक है। लेकिन मेरे जो साथीगण हैं जिन्होंने मेहनत की है, साथ में ये दो एंकर थे, इधर दो बैठे हुए एक्टर हैं जो संचालित कर रहे हैं, एक इधर डायरेक्टर है नीरज फिल्म स्टूडियो, हमारे दो पार्षद हैं, मैं सभी को एक साथ मंच पे बुलाना चाहता हूँ और आप सबके हाथों से इनका सम्मान कराना, एक साथ सब आ जाए, आ जाओ भैया, आ जाओ दोनों, अरे भैया तुम भी आ जाओ, टीम के सदस्य आ जाओ, आपके वर्ग को सलाम होना चाहिए, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं करता, आप दो दिन से लगे हुए थे, मैं तो ड्यूटी चला गया था, आज भी टेंट आप संभाल रहे थे, आइए भैया, अच्छा आपका हो गया क्या, सुनील आ जाओ, जो भी आ जाओ, साथीगण जो थे आ जाओ, तुरंत आ जाओ, मुकेश जी, राजेश जी, जो भी है, राजेश जी का हो गया दिखता है, नहीं हुआ क्या, आ जाओ जीतू, आ जाना, मीटिंगों में भाग लेकर के बड़ा सहयोग कर रहा था, आज आया है, समय दिया है, सहयोग दिया है, सब कुछ दिया है, जल्दी ठीक है, वो कम पड़ जाए तो फोटो दीजिए, जो भी है दे दीजिए सब, और अब तुम्हें इस टीम को मैं फोटो नहीं दूंगा, आगे से इस टीम को पढ़ने के लिए किताबें दूंगा, इतना ही ग्रुप है, समझ गए ना, फोटो आज तक की फोटो, वैसे सब सब घर में पहुंच गई है, मेरी गारंटी की बात, किशन रेनवाल के प्रत्येक घर में फोटो तो पहुंच चुकी है, अब साहित्य पहुंचाना बाकी, जल्दी करो, हाँ वो सम्मान सम्मान समारोह वाले दे दो उनको, ये भी तो सम्मानित होने के लिए, कम है क्या, कम है, अच्छा अच्छा, जिनको ये एक मिल चुकी है ना वो ये मत लेना, वो दूसरी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, राज भाई को मत देना, स्टूडियो वाले इनको आवश्यकता नहीं, बना लेना ठीक है, अरिश जी को, अरिश जी आप जिनको नहीं मिली इस बंद है, अच्छा नहीं मिली क्या, चलो रखो रखो रखो, नहीं मिली तो ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं हाँ, अरे मेरी दे दो ना, कहीं रखी होगी, दीजिए, और फिर भी नहीं है तो लाओ मेरे को, नहीं फोटो तो हो जाएगी, आ जाओ, जो है जिनको नहीं मिली वो दे, आ जाओ, कमल जी, कमल जी आपका हो गया, ठीक है ठीक है, आ जाओ, फोटो हो जाएगी ना, आ जाओ, आगे आओ ना आप, अरे सम्मानित साथियों आगे आ जाओ सब, एक बढ़िया सा फोटो, खेच मेरा फोटो जल्दी, इस सजावट में प्रशांत बाकोलिया का बहुत बड़ा रोल रहा, उन्होंने सारे गुब्बारों से सजावट ये जो की है उसमें पीछे फ्लैग्स लगा, इधर और तो सबने सब कुछ किया ही है।